आज हम लोग बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। देखिए भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। ये हमारा भारत रत्न है। भारत रत्न के बीच में आप देखिएगा, इसके एकदम सेंटर में यहाँ पर एक सोने का पदक लगा होता है। इस सोने का पदक का जो व्यास होता है वो 35 mm का होता है, 35 mm का होता है। और इसके चारों तरफ यहाँ पे देखिए आप एक सूर्य का चित्र बना होता है, तो बीच में सूर्य का चित्र भी होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो सूर्य का चित्र होता है। और इसका जो भारत रत्न का पूरा आकार होता है वो पीपल के पत्ते के जैसा होता है। तो ये भी पूछा गया है भाई एग्जाम में कि भारत रत्न का आकार कैसा होता है, तो पीपल के पत्ते के जैसा होता है। इसमें भारत रत्न जो लिखा होता है वो हिंदी में लिखा होता है। भारत रत्न पर भारत रत्न किस में लिखा होता है भाई? हिंदी भाषा में लिखा होता है। अच्छा, ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा है भाई। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। अब खेल के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है, तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में आप ध्यान रखिएगा इसको। पीएम के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर इसे राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हर साल दिया ही जाएगा। कुछ विदेशियों को भी भारत रत्न दिया गया है, जैसे अब्दुल गफर खां है, नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है। तो मदर टेरेसा तो मतलब हमारे देश में बहुत दिनों तक रह चुकी थी, तो हमारे देश का भी नागरिकता प्राप्त था। ऐसे वो अल्बानिया के रहने वाली थी, तो कुछ विदेशी लोगों को भी। लेकिन ऐसे भारत रत्न है तो भारत के नागरिक को ही दिया जाता है, असाधारण कार्य के लिए, असाधारण सेवा के लिए। होता है ना कि बहुत ही महान कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो कुछ विदेशी लोगों को भी दे दिया गया है। अब देखिए अधिकतम एक बार में ये मतलब 3 लोगों को दिया जाता है। एक साल में अगर दिया जाएगा तो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। तो देखिए यहाँ पर 1954 में जब शुरू हुआ था तो 3 लोगों को दिया गया था। 54 में शुरू हुआ था तो कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सी वी रमन को दिया गया था। तो ये 3 लोगों को मतलब जब स्टार्ट हुआ था उसी समय दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो भारत रत्न स्टार्ट हुआ था तो उस समय मतलब सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जा रहा था, लेकिन मरणोपरांत दिया जाएगा। ये कब से शुरू किया गया? 1955 से। 1955 से मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं, मरणोपरांत भी उनको दिया जाएगा। ये 1955 से स्टार्ट हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। अभी तक कुल भारत रत्न 48 लोगों को दिया गया है। अभी तक जितना भी लोगों को दिया गया है, कुल कितने लोगों को दिया गया है? 48 लोगों को। इस 48 लोगों में से 6 राष्ट्रपति हैं, 6 राष्ट्रपति को दिया गया है और 5 महिलाओं को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको नंबर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी तक कितने राष्ट्रपतियों को मिल चुका है भाई, तो ये 6 को मिल चुका है। और कितनी महिलाओं को मिल चुका है? तो ये 5 महिलाओं को अभी तक मिल चुका है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जनता पार्टी की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने इसे क्या कर दिया था भाई? बंद कर दिया था 1977 में। और 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई, जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो कांग्रेस ने फिर से दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोबारा जब शुरू किया गया था तो सबसे पहले किनको दिया गया था? तो दोबारा जब शुरू किया गया था तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारे देश में रहती थी लेकिन ये अल्बानिया की थी। तो 1980 से दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। देखिए 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया है। अभी के वर्तमान में, अभी 2019 में ही मिला हुआ है लेटेस्ट। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है और नानाजी देशमुख को दिया गया है। तो ये 3 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन में जानबूझ के ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2019 में नहीं दिया गया, तो 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ऐसे तो 48 लोग हैं तो सब लोगों को नहीं याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको मतलब दिया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम के व्यू से। देखिए जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था 1962 में। अगर पूछेगा कि पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू भाई। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। ये VVI है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री को ये मरणोपरांत दिया गया, पहली बार किस व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है? तो ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया। पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला है, इंदिरा गांधी है 1971 में। अब्दुल गफार खान को 1987 में दिया गया है। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो ये अब्दुल गफार खान है। B.R. अम्बेडकर को 1990 में दिया गया है। B.R. अम्बेडकर को जिस वर्ष दिया गया उसी वर्ष नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं और इनको भी भारत रत्न 1990 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेल्सन मंडेला, B.R. अम्बेडकर। राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था।
और अब्दुल कलाम को दिया गया था, अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन कहे जाते हैं उनको, 1997 में दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया गया था, लेकिन ये विवादित रहा है, इनके परिवार वाले जो है वो लौटा दिए थे भारत रत्न, तो ये थोड़ा सा विवादित है। तो पूछा जाता है कि भारत रत्न को लेकर के किन व्यक्ति के साथ विवाद है, तो वो सुभाष चंद्र बोस को जो दिया गया था उनसे विवादित है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था, लेकिन इसके पहले 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। इनको सबसे कम उम्र में भी दिया गया है, इनको 40 वर्ष की उम्र में, 40 साल की उम्र में ही भारत रत्न मिल चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।